हाल के वर्षों में देश के कार बाजार का स्वरूप तेजी से बदलने लगा है और कंपनियां नित नए मॉडल ला रही हैं। अभी वैगन आर और बलेनो को सड़कों पर आए साल भर भी नहीं हुआ है कि मारुति उद्योग ने एक और मॉडल ऑल्टो के नाम से बाजार में उतारा है। फिलहाल 800 और 1000 सीसी के दो विकल्पों में उपलब्ध इन मॉडलों की कीमत 3 लाख रुपए से लगभग 4.25 लाख रुपए है। कंपनी के प्रबंध निदेशक जगदीश खट्टर ने कल राजधानी दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में ऑल्टो का अवतरण किया। ये एक नई कंटेम्प्रेरी लुक्स, स्टाइलिंग, पावर, इंजन, टेक्नोलॉजी, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंड गुड वैल्यू फॉर मनी हमने 800 सीसी इंट्रोड्यूस की है, जो कि बहुत लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए एंट्री लेवल गाड़ी होगी। उल्लेखनीय है कि कंपनी ऑल्टो पहले ही गाड़ियां निर्यात करती आ रही थी। जहां तक इन मॉडलों का सवाल है, ऑल्टो एलएक्स को एंट्री लेवल पर पोजीशन किया गया, जबकि वीएक्स मॉडल में न केवल तकनीकी तौर पर बल्कि कार के अंदरूनी हिस्से में भी व्यापक फेरबदल किए गए हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस कार का लगभग 70% हिस्सा घरेलू स्तर पर उत्पादित है। 800 जो हमारी एलएक्स है वो टॉप एंड ऑफ दी ए सेगमेंट होगी और बी ऑल्सो प्रीमियम सेगमेंट में, बी सेगमेंट में होगी। जैसे बताया गया है कि इस वक्त मार्केट सेगमेंटेशन काफ़ी ब्लर्ड हो रहा है, तो हम अपने ये प्रोडक्ट्स लाए हैं उन दो सेगमेंट्स में और हमें, हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि कस्टमर जहां तक हो सके मारुति के ही मॉडल्स के बीच में अपनी चॉइस करे। आजकल जिस तरह की प्रतियोगिता पैसेंजर कारों के बाजार में है, निर्माता किसी तरह की जोखिम नहीं लेना चाहते। नतीजतन अब आए दिन कार बाजार में गाड़ियों के नए मॉडल आ रहे हैं। इसका एक फायदा हुआ है, खासकर वाहन उद्योग के मामले में निश्चित तौर पर उपभोक्ता की पसंद सर्वोपरि है।